सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए रॉयल एनफील्ड श्री शनमती इंटरप्राइजेस और ये वाला वीडियो वर्कशॉप पे शूट कर रहे हैं। देखो, एक ऑर्डर पे इंटरसेप्टर 650 आया है विद डुअल कलर। जो है टैंक काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई इसका, व्हाइट एंड रेड पे एंड बीच में गोल्ड का हल्का, मतलब ब्राउन टाइप का वर्क है, गोल्ड नहीं कह सकते। एंड जो टैंक है ना भाई, कंप्लीट मिल्की व्हाइट है। इनफैक्ट मैंने व्हाइट टी शर्ट भी पहना हुआ तब भी मैच नहीं कर रहा, कंप्लीट मिल्की व्हाइट है बॉस। और कलर काफ़ी तगड़ी लग रही है, BS6 कंप्लाइंट इंजन है। तो आज इसका रिव्यू आप लोग को देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मे बी इसका डिलीवरी हो जाएगा इसलिए बाहर ही शूट कर ले रहे, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सो होपफुली अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आप लोगों को स्टार्टिंग लेवल ऑफ सुपर बाइक चाहिए, स्टार्टिंग लेवल ऑफ ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल चाहिए, तो रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करती है भाई। एक तो इंटरसेप्टर 650, एक कॉन्टिनेंटल GT 650। तो कॉन्टिनेंटल GT 650 का राइडिंग पॉस्चर वगैरह जो आप लोगों को पता है, कंप्लीट कैफे रेसर टाइप का हो जाता है। एंड ये जो आप देख रहे हो इंटरसेप्टर 650, इसका थोड़ा बहुत राइडिंग पॉस्चर अगर आप देखोगे ना तो स्टैंडर्ड टाइप का आपको लगेगा, जस्ट क्योंकि इसका हैंडल वगैरह ऊपर है एंड कंप्लीट आप लोग प्रॉपर स्ट्रेट बैठोगे। बाकी बात डुअल सिलेंडर इंजन है, मतलब ट्विन आप लोग एग्जॉस्ट नोड तो देखोगे कंप्लीट पीछे में, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है भाई। और एग्जॉस्ट नोड भी इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आता है, अगर आप लोग कुछ एडिशनल इस पर लगवा दो, मतलब कि मोटोटॉक वगैरह का एग्जॉस्ट वगैरह लगा दो, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आवाज़ आता है। बाकी आप लोगों को पता है बाइक आपकी 650cc है, तो 650cc कैटेगरी में सबसे कम बजट में जो आती है बाइक वो यही रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करता है भाई। अगर आप लोग कावासाकी की 650 लेने जाओगे ना भाई, तो 6 से 7 लाख से शुरू होती है। बाकी बात डेटोना वगैरह भी आती है, वो भी काफ़ी महंगी आती है। और पीछे देखो RR 310 लगा हुआ है, तो वो तो भाई सिंगल सिलेंडर 310cc का है, तो उसका प्राइस भी 3 लाख अप्रॉक्स है। और ये वाली जो इंटरसेप्टर है इसका प्राइस हम लोग आपको एंड टू एंड आप लोगों को बता देंगे। बाकी हेडलैम्प वगैरह आप लोग देखोगे तो कंप्लीट हेलोजन यूनिट आपको हेडलैम्प सेटअप दिया हुआ है बॉस। और इंडिकेटर जैसा शुरुआत में आते थे ना GT में देखा था मैंने 535 का, उसी टाइप का इंडिकेटर्स है। और आपको इंडिकेटर्स भी ऑन करके दिखा देते हैं बॉस, देखो कंप्लीट स्क्वायर शेप में जो इंडिकेटर्स आते थे वो। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है एंड एक ये कवर टाइप का आप कह सकते हो, बाकी आर का लोगो यहाँ पे। और ये जो रहता है बेसिकली थोड़ा सा लुक भी अच्छा कर रहा है बॉस। और टेलीस्कोपिक फोक है फ्रंट में एंड राइट लेफ्ट में आप रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख सकते हो। टायर्स की बात करेंगे, C8 का टायर आपको प्रोवाइड किया गया और ट्यूब टायर्स है 100x90 का, 18 इंचेस का आपका व्हील है, व्हील साइज स्पोक व्हील। इस साइड से देखोगे तो आपको ABS वगैरह का जो रिम है वो मिलेगा, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। फ्रंट का डिस्क हो गया ये एंड यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर वाइब्रे का जो आप सेटअप देखोगे। और टायर्स तो हमने दिखाया C8 का 100x90 का टायर। और बाकी बात फ्रंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा दमदार लगता है बॉस, इसका फ्रंट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है। मीटर पे आते हैं तो ऐसे देखो BS6 और 2022 वर्जन में कोई चेंज नहीं है कलर के साथ, मतलब मार्क 2 करके एक आया है, वो भी उस पर भी वीडियो हम लोग बना लेंगे, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है तो इसलिए शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी बात इसको मीटर वगैरह ऑन करके दिखाते हैं, तो मीटर देखो स्वैप करेगा, एक आपका RPM का मीटर, एक आपका स्पीडोमीटर है बॉस। और लिटरली मैं बताऊंगा, फ्रंट सेक्शन में जब वाइजर नहीं लगा हुआ रहता है ना तभी ज़्यादा खूबसूरत लगता है बाइक, नहीं तो यहाँ पे एक वाइजर आता है वो जब लग जाता है ना तो उतना अच्छा रूप नहीं आता है बाइक का, उतना अच्छा लुक नहीं आता। और बेसिक से मीटर है, उतने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ओडो वगैरह दिया है, ट्रिप भी दिया है एंड फ्यूल का जो इंडिकेट करेगा। बाकी हैंडल बार की बात करें तो डैम्पर वगैरह है एंड कंप्लीट आपको जो हैंडल है वो अपराइट है, क्योंकि ये वाला आपका कैफे रेसर मोड में नहीं है। क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे देखोगे मिरर, क्रोम फिनिश में लीवर और हाई बीन लो बीन, पास लाइट राइट लेफ्ट इंडिकेटर का हॉर्न हो गया भाई, तगड़ा हॉर्न दिया हुआ बॉस। और चलो एक बार स्टार्ट करते हैं इसे, न्यूट्रल पे बाइक अवेलेबल है, मतलब न्यूट्रल बाइक लगी हुई है। आवाज़ भाई डुअल सिलेंडर का यहीं से समझ में आ जाता है, इतना भारी आवाज़ है ना इसका, स्टॉक में ये इतना भारी आवाज है। देखो भाई स्टॉक में ये इतना भारी आवाज आ रहा है कि समझ में आ रहा है कुछ हेवी सीसी की बाइक स्टार्ट हुई है। आप लोग देखो भाई बहुत ही ज्यादा हेवी एग्जॉस्ट नोट है एंड इनफैक्ट इसका मीटर, तो ये तो हो गया बॉस इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह। फ्यूल की बात करें तो 13.7 लीटर्स का आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है एंड रॉयल इनफील्ड वगैरह का लोगो वगैरह आप देख ही रहे हो बॉस यहाँ पे। इंजन बताते हैं तो आपका 650 सीसी पे इंजन है, पैरेलल ट्विन 4 स्ट्रोक
सिंगल ओवरहेड कैंप एयर ऑयल्ड कूल इंजन, और इंजन देख के ही समझ जाओगे काफ़ी बड़ा इंजन है भाई। और साइड बॉडीज़ वगैरह भी देखोगे ना ऊपर से तो आपको समझ में आएगा इंजन वगैरह बहुत ही। देखो बड़ा सीसी का इंजन है तो इंजन भी आपको नीचे में बड़ा ही मिल रहा है, और कवर नहीं किया हुआ बॉस। तो एक दिक्कत होता है कि चलाने में अगर आप लोग पैर वगैरह सड़ गया गलती से इंजन में, इंजन बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है चलाते चलाते, अगर गलती से पैर वगैरह सड़ गया तो भाई आपका स्किन वहाँ पर चिपक जाएगा, ये थोड़ी सी है। पावर की बात करें तो 47.65 PS का पावर एंड 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है बॉस ये वाली मशीन, और कंप्लीट समझो रॉकेट जैसा निकलती है। जब मैंने इसे भगाया था, मैंने बेसिकली इंटरसेप्टर भी चलाया है, कॉन्टिनेंटल भी चलाया है, ऑन कैमरा आप लोग वीडियो देख सकते हो, तगड़ी भागती है बॉस दोनों। और अगर आप लोग को कॉन्टिनेंटल GT एंड इंटरसेप्टर 650 दोनों में कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम लोग करेंगे। सीट वगैरह देखो, जो डुअल नहीं सिंगल ही सीट है, दो बंदों के लिए आराम से आप लोग बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरसेप्टर 650 का यहाँ पे लोगो वगैरह जो देखने में सही लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सैडल हाइट की बात करें तो 804 mm का सैडल हाइट है, 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 202 kg की बाइक है, तो समझ सकते हो अगर ये बाइक आप लोग गिरी गलती से गिरती है तो बहुत दिक्कत हो जाता है बॉस, क्योंकि इससे लेकर मैं एक बार गिर चुका हूँ अपनी पारसनाथ वाली राइड में, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो। बाकी बात ये तो हो गया कंप्लीट इसका सीट वगैरह के रिगार्डिंग एंड बाइक वगैरह का स्पेसिफिकेशन वगैरह के रिगार्डिंग, इंजन वगैरह के रिगार्डिंग। अब बाकी फ्रंट सेक्शन आप लोग देखो कंप्लीट भाई, यहाँ पे ऑटो सेंसर वगैरह आपको उस साइड में प्रोवाइड हुआ है, और इसमें अगर आप लोग स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, जबकि अगर फुल सिस्टम भी लगाओगे तो अब तो एक्सट्रीम लाउड हो जाएगा। और डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किए हैं बॉस, एक देखो इधर में एंड इधर में जो डुअल स्प्रिंग आता है। और रेयर टायर की बात करें 130/70 का रेयर टायर है, 18 इंचेस का व्हील है, स्पोक व्हील और डुअल चैनल ABS, तो रेयर में ABS आप यहां पे देखो एंड रेयर डिस्क हो गया। बाकी इस साइड में साड़ी गार्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा इसे आप लोग हटा देते हो ना तो अच्छी लुक आएगी, बहुत ही तगड़ी लुक आएगी। और बाकी चेन वगैरह नीचे तो है, फुटपिक्स फोल्डेबल रॉयल इनफील्ड के मार्क, एंड ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ कि अगर आपकी बाइक गिरती है फुटपिक्स वगैरह नहीं टूटेंगे, और लेकिन अगर गिर जाती है ना भाई तो भाई उठाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक बार लेके मैं गिर चुका हूँ। और ये कंप्लीट इसका इंजन पार्ट हो गया जो काफ़ी हीट हो जाता है, अभी भाई तगड़ा हीट हो गया क्योंकि अभी रेव दिए थे थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाने के लिए। बाकी टायर्स तो C8 का है ही, पहले कंपनी पेरिली वगैरह यूज़ करती थी लेकिन अभी C8 यूज़ कर रही है रॉयल इनफील्ड, समझ जो बजट का थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि पेरिली का दोनों पेयर का दाम 25,000 जैसा मेरे को पता है, जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताऊँ आप लोगों को ये वाली मशीन ज़्यादा अच्छी लगती है कि कॉन्टिनेंटल GT ज़्यादा अच्छी लगती है जो कंप्लीट प्रॉपर कैफे रेसर टाइप में है। सो भाई होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा इंटरसेप्टर 650 ये वाली मॉडल का, और प्राइसिंग वगैरह मेरे को अभी शोरूम जाना होगा क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं कितना प्राइसिंग वगैरह है इसका क्या है। वर्कशॉप पे जस्ट बाइक खड़ी थी समझ जाओ गोडाउन पे, एंड मैंने निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो चलो वीडियो हम लोग करते हैं एंड, अगर अभी मैं शोरूम विजिट करूँगा तो नीचे आपको प्राइसिंग वगैरह एक शोरूम आते जाएगा, तो आप लोग उससे मतलब कि कॉन्टैक्ट कर लेना शोरूम से। ऑन रोड वगैरह के लिए शोरूम का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, रॉयल इनफील्ड श्री शनमती इंटरप्राइजेस गिरिडीह। और चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वाली मॉडल में। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज़ बोलूंगा, टैंक मेरे को बहुत सही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाइट लग रहा है, और बाकी लोगोज वगैरह तो ही। चलो वीडियो एंड करते हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें पहले से, आप लोगों ने सुना BS6 वाली का आवाज़ वगैरह। और अगर आप लोग पे भी ये वाली मॉडल है तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और हाँ भाई 100K करवा दो हमारे प्लीज़।